आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आज मैं आपके लिए लाया हूं शब्द वर्ड ऑफ द डे करारा मुंह तोड़। करारा मुंह तोड़ जवाब। अब देखें इसकी अंग्रेजी क्या क्या बन सकती है। सबसे पहला मुंह तोड़ या करारे की है क्रशिंग। क्रशिंग रिप्लाई मुंह तोड़ कुचलने वाला जवाब। स्मैशिंग रिप्लाई मुंह तोड़ जवाब। एप्ट रिप्लाई उचित जवाब यानी मुंह तोड़ जवाब। वह करारा जवाब देता है मुंह तोड़ जवाब देता है। ही ऑलवेज गिव्स एन एप्ट रिप्लाई। एप्ट रिप्लाई ऑलवेज वो हमेशा करारा जवाब देता है। भारतीय जवान हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं करारा जवाब देते हैं। आवर ब्रेव सोल्जर्स हमारे बहादुर सिपाही ऑलवेज गिव ए स्मैशिंग रिप्लाई या क्रशिंग रिप्लाई। यहां क्रशिंग क्रशिंग मिल सकते हैं ये वाला शब्द। अब देखें मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आई विल गिव हिम एन एप्ट रिप्लाई। क्रशिंग रिप्लाई स्मैशिंग रिप्लाई फिर ए आएगा एन नहीं। यदि स्मैशिंग या क्रशिंग लगाएंगे तो एन नहीं आएगा एप्ट के साथ एन आएगा। लड़की ने करारा जवाब दिया। लड़के को करारा जवाब दिया लड़की ने। द गर्ल गेव हिम ए स्मैशिंग रिप्लाई क्रशिंग रिप्लाई। जवाब ना देना भी एक तरीके का जवाब होता है। जवाब ना देना भी एक तरीके का जवाब ही है। नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर। नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर। ये मैंने मुंह तोड़ से अलग लगाया सेंटेंस लिखा है लेकिन सेंस इसका काफी तगड़ा है वैसा ही है। करारा जवाब मिलेगा करारा जवाब दिया जाएगा। ये एक फिल्म का डायलॉग भी है करारा जवाब मिलेगा। तो वो मैंने उसी की अंग्रेजी बना दी है। ए स्मैशिंग रिप्लाई विल बी गिवन या दूसरा इसकी अंग्रेजी बनेगी ए क्रशिंग रिप्लाई विल बी गिवन या तीसरी अंग्रेजी बनेगी एन एप्ट रिप्लाई विल बी गिवन। कैसी लगी मेरी वीडियो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।